हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव विद मार्केट शाला। तो आज भी जो मार्केट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट बॉक्स के अंदर काफी रेंज बाउंड रहा। ऑलमोस्ट जहां से शुरू हुआ लगभग वहीं के वहीं आकर के बंद भी हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ मौके अगर बन भी पाए होंगे तो आई थिंक ये जो मूविंग एवरेज या फिर ये जो चैनल ऊपर से नीचे हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था डाउनवर्ड ट्रेंड, इसके नीचे जब आया हो, अगर वहाँ पे कुछ पॉइंट्स के लिए अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हो और इतना इफेक्टिवली अगर वो निकलने में सफल हुआ हो कि यहाँ पे एकदम एग्जिट होके निकल गया हो, जबकि जो सपोर्ट लेवल यानी कि हम लोगों ने इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल जो बना के रखा था वहाँ पे, वो था कल का जो लो है 17,600। 17,600 को एक बार डिसाइसिवली ब्रीच करने के बाद फिर ये ऊपर गया है वहाँ से और फिर उसने एक बार को मूविंग एवरेज के ऊपर अपना क्लोज दिया है और करीब एक डेढ़ घंटे तक उसके ऊपर अपना समय बिताया है। तो थोड़ा सा चॉपी मार्केट रहा। चॉपी मार्केट जब भी रहता है तो एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ जो है फॉर्म होती है डेली चार्ट के ऊपर, कि जिसका कि डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होता है, वो ऊपर भी जाता है वो नीचे भी जाता है, तो अल्टीमेटली कई बार वो जो है दोधारी तलवार की तरह ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन पे भी जो है स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराता है एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराता है। तो उस केस में जरूरी ये है कि अगर पोजीशन बनती हुई दिख रही है कहीं पे, तो सबसे पहले अपने स्टॉप लॉसेस को जो है काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिससे कि लॉसेस बड़े ना हो पाए, और जब प्रॉफिट्स के मौके आए और प्रॉफिट्स बड़े हों तो जो आपके छोटे छोटे लॉसेस हैं उनको रिकवर करके आपके प्रॉफिट्स आपको एक प्रॉफिटेबल पोजीशन पे लेके आ सके, राइट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे शॉर्ट करने का मौका कोई बनता नहीं। जब तक वो यहां नीचे आया तो यहां पे लॉन्ग करने का पोजीशन आप तब तक नहीं सोच सकते थे जब तक कि इमीडिएटली, क्योंकि उसके ऊपर एक आपका मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बन रहा था, और फिर जब मूविंग एवरेज के और ये जो कल के लो के ऊपर जब ट्रेड करने लगा है निफ्टी, उसके बाद कुछ मतलब इतना कन्विंसिंगली जो है ना शॉर्ट पोजीशन बन रही थी ना लॉन्ग पोजीशन बन रही थी। इसमें अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर प्लान हो सकती थी या बन सकती थी तो वो सिर्फ जो है ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कि प्ले करते हैं उनके लिए कुछ थोड़ा जूस था मार्केट के अंदर, जो कि टाइम डीके को अपने फेवर में रख के अपने प्रॉफिट्स को जो है थोड़ा सा एनहेंस करते हैं, तो वहां पे कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करी जा सकती थी। बट हाँ, सिंपल बाइंग एंड सेलिंग के अंदर तो कुछ भी ऐसा खास आज मार्केट ने आपको करने का मौका नहीं दिया होगा फ्यूचर लॉट्स में। अब देख लेते हैं कल का क्या। आज का जो हाई है वो लगभग 17,690 और जो लो है ये मैं उनको लाइंस को शिफ्ट कर देता हूँ अकॉर्डिंगली, 17,690 से 17,583। तो 583 का तो हम सपोर्ट मान लेते हैं कि 17,600 का हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है, एज वेल एज जो रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें, क्योंकि एकदम जो है पास ही में है ये, इस टाइम पे जो है 17,651 पे जो है क्लोज दिया है। कल अगर 17,690 के ऊपर डिसाइसिवली ऊपर जाता है, मतलब आज के हाई को ब्रीच करके एक दो कैंडल वहां पे क्लोज देता है आज के हाई के ऊपर, तो 17,800 के लिए जो है एक बार को लॉन्ग पोजीशन लेने का मौका बनेगा, जो कि अराउंड 100 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी में हम लोग मिनिमम टारगेट क्या करते हैं 50 से 100 पॉइंट के बीच का। तो अकॉर्डिंगली अपना जो है स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए आप एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं आज, क्योंकि एक डेली चार्ट के ऊपर जो ये पूरी प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, तो डेली चार्ट पे जब आप कैंडल देखेंगे तो ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। वहां से मुझे लगता है कि ये कल हो सकता है अगर आज के हाई को ब्रीच करके ओपनिंग देता है तो एक बुलिश मोमेंटम इनिशियल हाफ या फिर हो सकता है पूरे दिन आपको दे, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड प्ले कर सकते हैं।
शॉर्ट कॉल की बात अगर करें हम, तो शॉर्ट कॉल में अभी फिलहाल जो है मुझे कुछ ज्यादा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो डे ऑन डे बेसिस पे जिस तरीके से मार्केट क्लोज हो रहा है, मार्केट एक अपना एक कहते ना कि एक अडिग रह रहा है, मतलब वो डिग नहीं रहा है मार्केट, मतलब काफी कोशिशों के बावजूद भी वो एक अपने सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है बुलिश साइड में, एक जस्ट सिग्नल की वेट कर रहा है कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज इवेंट कुछ ऐसा सामने से आए, यूएस मार्केट का एक पॉजिटिव जो है मोमेंटम डे ऑन डे बेसिस पे सामने आए और वो यहाँ से थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। इस वजह से वो वहीं आप देखिए पिछले 3-4 दिन से वो थोड़ा थोड़ा घटता जरूर है, लेकिन वहीं के वहीं बना हुआ है, डिसाइसिव फॉल नहीं दिखा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शॉर्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी कम है, लॉन्ग साइड पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरुआती क्षणों में, शुरुआती कैंडल्स के अंदर अगर आपको एक बार वो ये मूविंग एवरेज जो कि अभी हमारा खड़ा हुआ है 17,638 के ऊपर, इसके नीचे अगर आता है तो ये आप एक शॉर्ट कॉल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से वो जो है डाउनवर्ड है। देखिए सारे बॉक्सेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि इनिशियल अगर वर्ल्ड मार्केट्स अच्छे नहीं रहे, इनिशियली आपको जो है निफ्टी ने इस मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग दिया, तो हो सकता है इसको ब्रीच करके थोड़ी देर के लिए नीचे भी ये ट्रेड करे 17,583 के नीचे, 17,600 के नीचे। तो इसमें जो है पोजीशन थोड़ा जल्दी लेना है और जल्दी एग्जिट करने वाला आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा, और जैसे ही अपना प्रॉफिट निकलता है 50-60 पॉइंट का आप अपना एग्जिट लीजिए, राइट, क्योंकि यू नेवर नो जिस तरीके से मार्केट ये पिछले 3-4 दिन से चल रही है, बुलिश मोमेंटम में आपको निकलने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, यू नेवर नो। और जो मैंने कल बताया था, ये जो राउंड, ये जो सर्किल मैंने ये बनाया हुआ है, ये जो एरिया है यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था 17,726 क्रॉस होते ही, क्योंकि ये जो है एक इवनिंग स्टार का स्टॉप लॉस होता है 17,726, यानी 17,700 के ऊपर जाते ही आप देखिएगा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा, और हो सकता है वो इस डे ऑन डे बेसिस पे जो ये 17,800 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रीच करके आगे निकल जाए। तो बुलिश साइड पे आप तैयारी रखें। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी एक तरीके का मिक्स बैग है, बॉक्सेस आप देख सकते हैं, बड़ा बॉक्स, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, आज थोड़ा ये प्राइस एंड एक्शन इसका एक्सपेंड किया। यहां पे आप देख सकते थे कि यहां पे जैसे ही इसने शुरू किया कल का हाई, उसके जस्ट थोड़ा नीचे इसने जो है अपना ओपनिंग दिया। कल का जो हाई था इसका वो था 42,385, 42,385 पे आज इसने 42,386 पे आज इसने 42,370 के आसपास अपना ओपन किया, और यहां से इसने गिरना शुरू किया। तो एक तरीका है, अगर कल के हाई से जस्ट नीचे स्टार्ट कर रहा है बैंक ने, हालांकि नीचे उसका जो है मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट एक ट्राई किया जा सकता है कल के हाई का स्टॉप लॉस बना के उसको शॉर्ट करने का, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड साइड में नहीं है, वो डाउनवर्ड साइड पे है डे ऑन डे बेसिस पे। निफ्टी ने एक जो है बेयरिश ओपनिंग दिया है, तो वहां से एक शॉर्ट कॉल जनरेट हो सकता था विद स्ट्रिक्ट, नॉट ओनली स्ट्रिक्ट, सुपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जिसमें कि कैंडल को भी खत्म होने का मौका नहीं देना था 42,386 यानी कि 42,400 के ऊपर। और जैसे ही ये डेली सपोर्ट पे आया, ये देखिए हमारा डेली सपोर्ट था 42,000, यहां से निफ्टी को ये लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो डेली सपोर्ट जो है कितना स्ट्रांग रोल प्ले करता है आपके इंट्राडे ट्रेड के ऊपर, वो आप देख सकते हैं।
डेली सपोर्ट पे अगर आपने अपनी पहले से बाइंग जो है यहाँ पे बना के रखी होती तो आपको 50-60 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, हालांकि बैंक निफ्टी में कम से कम आपको 100 पॉइंट टारगेट करने चाहिए, तो वो 100 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ही 42128 को ही है। 42,000 का बाइंग आपने इस सपोर्ट पे डाल के रखा होता विथ सर्टन स्टॉप लॉस, यानी कि 100 पॉइंट लेने जा रहे हैं तो 50 पॉइंट का कम से कम स्टॉप लॉस, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे 100 पॉइंट यहाँ पे गेन हो सकते थे। खाली 100 पॉइंट ही नहीं, आप कम से कम जो है यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए ट्रेड को आगे लेके जा सकते थे अपने प्रॉफिट्स के साथ। और जब प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, जिससे कि आपने ये नहीं कि इनिशियली अगर आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है अराउंड 41,950 के आसपास रखा हुआ है तो वो एंड तक 41,950 के आसपास ही रह जाएगा। जैसे ही आपको दिखे कि 100 पॉइंट अपने कवर हो गए हैं, कुछ नहीं करना है, 42,145-50 पे आया, सीधे 42,100 के ऊपर अपना जो है स्टॉप लॉस लाके खड़े हो गए। जैसे ही 42,100 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है 100 पॉइंट लेके निकल जाइए और कोशिश करिए कैंडल्स को रीड करने की। जब कैंडल्स को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिछली कैंडल का लो है उसके आसपास का जो है आप रखिए, बट उससे पहले आपका टारगेट उस पॉइंट पे अचीव हो रहा हो कम से कम 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं कि किसी भी कैंडल के लो पे लेके बैठ गए और उसने आपका जो है स्टॉप लॉस काटा और फिर ऊपर भाग गया, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इस तरीके से आप कोई कई डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना जो है प्रॉफिट इंश्योर करते चले जाते हैं और फिर उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को जो है राइड करने लगते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट जो आप इनिशियली 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ लेके चले थे उसको आप 1:3, 1:4 कर पाए। अब कल क्या करें, कल का जो है आप ये जो देख रहे हैं कि आज का जो लो है वही है 42,965 जो है आज का लो है लगभग, और आज का जो हाई है वो लगभग कल के जैसा ही है 42,380। इस रेंज को देखना है, इस रेंज के एकदम बीचो बीच है इस टाइम पे आपके पास, राइट, इस रेंज के एकदम बीचो बीच आपका बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और डेली चार्ट के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 43,000 जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे और 42,000। तो लॉन्ग साइड पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कर रहा है और मार्केट ने अपने सेकेंड हाफ में अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है और डेली कैंडल जो है बहुत ही एकदम डोजी तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेकिन हाँ एक ऐसा उसने सिग्नल दिया है कि वो और ज्यादा गिरने के मूड में नहीं है, उसको जस्ट एक जो है अच्छी न्यूज की दरकार है आपके, चाहे वो यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हो आज रात को या फिर कोई अच्छी इवेंट आ जाए, कोई अच्छी न्यूज आ जाए और ये जो है यहाँ से 43,000 की तरफ उड़ने के लिए तैयार है। तो आपको यहाँ पे भी लॉन्ग साइड पे अपने ट्रेड्स को देखना है। आपके जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं ये जो है जो भी येलो कलर के लाइंस हैं इन पे प्रॉफिट बुक आप तभी करेंगे जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के आपसे के हिसाब से आपके टारगेट अचीव हो जा रहे हैं। डर के एकदम से यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर जाना है, राइट। तो 42,381 के आसपास जो है इसको आप वॉचफुल रहेंगे, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद 42,538 आपका एज इट इज, क्योंकि वहां तक आपके जो है 150-300 पॉइंट का काम हो जाता है, तो एक बार अगर यहाँ आता है तो प्रॉफिट बुक करिए, इसके ऊपर जब जाता है तो फिर दोबारा आगे जो है देखा जाएगा, राइट, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाइए। उसके बाद तो 43,000 तक जो है पूरी जो है आपका पूरा फील्ड खुला हुआ है, आपको जस्ट इंश्योर करना है कि 42,000 के नीचे क्लोज आए और आप लॉन्ग ट्रेड में बैठे हो तो आप जो है अपनी ट्रेड क्लोज करके निकल जाइए और वहां से 42,000 से 41,700 तक की रेंज है नीचे जाने के लिए। इसका मतलब होगा बैंक निफ्टी बहुत ही
वीक हो गया है, तो 100-200 पॉइंट के साथ जो है आप शॉर्ट कॉल लीजिए, जो कि 42,700 तक 300 पॉइंट का गैप है 42,000 से, आपका एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा। हो सकता है 41,700 से फिर जो है वो ऊपर, सॉरी अगर मैं 42,700 बोल गया हूँ, 41,700 से फिर जो है वो एक बार अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट तो उसे दिखाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो स्टबन तरीके से अटक के बैठ गया है, वो नीचे एकदम से गिरना अलाउ नहीं कर रहा है, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से शॉर्ट कॉल आप देख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, और अपवर्ड मूवमेंट जब दिखाएगा तो आपको यही करना है, जैसा कि आज मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर कहीं पे भी डेली बेसिस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वहाँ पे पहले से भाव लगा के बैठ जाइए, और जैसे ही आपका सौदा बनता है आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा के बैठ जाइए, और देखिएगा वहाँ से आपको 100-150 पॉइंट जो है इमीडिएटली जो है आपको रिबाउंड मिलेंगे, चाहे आपके रेजिस्टेंस पे आपने जो है शॉर्ट करने का भाव लगा के बैठे हों विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। समटाइम्स 5 out of 5 टाइम्स जो है हो सकता है आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, बट 5 बार जब नहीं होंगे तो आपको 1:2 के हिसाब से डबल प्रॉफिट बना करके देके जाएंगे। और जैसा कि हम कहते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट में रहने के लिए भी आपको खाली 33% सक्सेस की ज़रूरत है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं अगर 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ, और अगर 5 बार स्टॉप लॉस हिट होगा और 5 बार आप प्रॉफिट में रहेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप इन एरियाज़ को जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे। तो सीखने के लिए जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, रोज की तरह कल भी हम मिलेंगे अपने अगले दिन के भाव के दाव के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय।